Hello everyone, welcome back to JKICC. I hope all of you are doing well at home. सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. ओके, इन लास्ट वीडियो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था. आई होप दैट वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल था. वो तो हम लोगों को पता चल जाता है आपकी कमेंट्स और लाइक से कि आप हम लोगों को कितना अप्रिशिएट कर रहे हो. आपकी ये सारी चीज़ हमको और भी अच्छी चीज़ आपके सामने लाने के लिए मोटिवेट करता है. और जो भी व्यूवर्स जिन्होंने हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, हम चाहते हैं कि आप उसको देखें सो दैट कि कोई भी काम करना है वो सिक्वेंस में आप काम बना रहे हैं. ओके, तो इसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, नीचे गए हुए लिंक में आपको क्लिक करना है, देन यू विल गेट दैट वीडियो. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक विथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आज हम पढ़ाई करेंगे. ओके, आप हमको बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम यूज़ कहाँ करेंगे, क्या होता है ये. जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, कब बात कर रही हूँ, अभी प्रोग्रेसिव पीरियड में. जो भी एक्शन वेल स्पीकिंग जब बात करते वक्त होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो कि हो रहा है, हो रहा है, हो रही है ना. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, हो रहा है, हो रही है, हो रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, बातें कर रही हूँ, बातें कर रहे हैं. ऐसे सेंटेंस जो हिंदी में या उर्दू में होते, जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम इंग्लिश में कौन से टेंस में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे. इट्स ईजियर, बट ये क्या हो जाता है कि वाइल राइटिंग हमारे माइंड से स्किप कर जाता है तो ग्रामेटिकली वो लाइन पूरा इनकरेक्ट हो जाता है. सपोज अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, मेरे वीडियो सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू माई वीडियो. गाड़ी चल रहा है ना, द बस इज मूविंग, है ना, वट एवर इट इज़. ऐसे सेंटेंस जो कि आपकी बातें करते वक्त हो रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं. चलो हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं. आपने ऐसे बुक्स में बहुत सारे डेफिनेशंस देखा होगा, बट हमने यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी वे में लिख के बताया हुआ है. देखो, द प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, वो काम, वो क्रिया, वो एक्शन कब, कौन से एक्सप्रेशन, कौन से एक्शन को बताता है, इन प्रोग्रेस, जो चल रहा है इन पर्टिकुलर टाइम, दिया हुआ वक्त, अभी जो काम चल रहा है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लिखने के लिए हमारे पास कुछ लाइक मैथमेटिक्स फॉर्मूला है ना, है तो वो क्या होता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. देखो, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बाय यूजिंग प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब. हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज प्रेजेंट फॉर्म को यूज करेंगे, साथ में बी मींस इज एम आर हम यूज करेंगे, है ना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस वर्ब की आई एन जी फॉर्म बी फोर हम यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, चलो हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बातें करते हैं. जैसे कि आपको मैंने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सब्जेक्ट हम मोटा मोटी 8 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सिंगुलर नाउन लिखा है, इफ़ इट इज़ प्लूरल नाउन आपको ऑब्वियसली प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेना है जो कि है आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. तो और सब्जेक्ट के लिए हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं इज, एम एंड आर. अब बताओ आपने इज कहाँ पे यूज़ करना है, एम कहाँ पे यूज़ करना है, आर कहाँ पे यूज़ करना है. ये मैंने बोर्ड के साइड में लिखा है, आई एम, आई के साथ एम लगेगा, एम आई को छोड़ के किसी और के साथ नहीं लगेगा. We, you, they के साथ हम करेंगे, are, he, she, it और singular noun के साथ हम करेंगे, he, she, it और singular noun के साथ हम करेंगे, is, है ना. ये हो गया सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाना, आपको पता चल गया. अब देखिए, सेंटेंस हमेशा आप देखते हो पॉजिटिव सेंटेंस होती है, पता है, नेगेटिव होती है,
है ना, और इंटरोगेटिव्स में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम बाय कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस इन दिस वे हम पॉजिटिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कैसे बात करना है आपको मैं बताती हूँ, नेगेटिव में कैसे बात करना है और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बात करना है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रही हूँ। अगर उसी सेंटेंस को बोलना है कि मैं नहीं लिख रही हूँ तो आप क्या बोलोगे, तो फिर वहाँ पर आप किस तरह से ना बोलोगे, जस्ट सिंपली बाय यूजिंग नॉट, नॉट वर्ड आपने ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने पॉजिटिव सेंटेंस की टू एग्जाम्पल्स लिखा है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बट है ना लिमिटेड टाइम, देखो आई एम कुकिंग फूड, दे आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, वॉट एवर इट इज, है ना। और नेगेटिव में देखो इज सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर उसके बाद लगाना है आपने नॉट और वर्ब की आई एन जी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट सपोज आई हो गया तो हम क्या लगेंगे, एम, और नो बोलना है तो नॉट, चल नहीं रही हूँ, मैं नहीं चल रही हूँ, आई एम नॉट वर्किंग, ओके, यू आर नॉट लर्निंग, दे आर नॉट डांसिंग, वो नहीं नाच रहे हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग। आ गया आपने कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नो वाली सेंटेंस बनाना है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, कि तुम खाना खा रहे थे, खाना खा रहे हो, गाना गा रहे हो, सो रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्वेश्चन पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे, बाय ब्रिंगिंग दीज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के बिगिनिंग में हम इसको लाएंगे। इफ़ आवर सब्जेक्ट इज ही शी इट और सिंगुलर नाउन, तो हम इज को बिगिनिंग में लाएंगे, जैसे कि इज इट रेनिंग हैपीली, इज ही मूविंग फास्ट, इज शी क्राइंग लाउडली, इज राधिका लर्निंग फास्ट, ओके। तो ये हो गया इज के, एम के साथ आपको पता है आई के साथ एम लगाएंगे तो बोलेंगे एम आई लुकिंग ब्यूटिफुल, एम आई कुकिंग फूड, एम आई लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, है ना। और आर किसके साथ लगाएंगे, वी यू एंड दे के साथ, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू कॉम्बिंग योर हेयर, है ना, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, आर दे क्राइंग लाउडली, इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेशन है, नेगेटिव इंटरोगेशन के लिए हम आइदर इज एम आर के साथ इजंट एमंट आरंट करके भी शुरू कर सकते हैं, या इज एम आर प्लस सब्जेक्ट उसके बाद नॉट लगाएंगे फिर वर्ब की आई एन जी फॉर्म या ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखो इज इट नॉट रेनिंग हैविली, क्या तेज बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या आप मेरा फेवरेट खाना नहीं बना रहे हो, आर यू नॉट कुकिंग माई फेवरेट डिशेस, इस तरह से हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटरोगेशन करेंगे। आई बिलीव आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्लियर हो गया होगा। चलो अब सर्टेन थिंग्स है जो कि आपको याद रखना है, ये है देखिए, वी नीड टू पे अटेंशन टू द वर्ब एंडिंग इन ई, जैसे टेक, है ना, तो हम टेक मेक ये जो होती है वर्ड, इसमें लास्ट वाली वर्ड जो है उसको हम, जो कि वर्ब है उसको हम
जो ई के साथ एंड हो रहा है उसको हम ड्रॉप कर देते, फिर आई एन जी लगा देते हैं, जैसे कि एम ए के ई मेक। लेकिन अगर हम उसको आई एन जी फॉर्म में डालना है तो हम ई को वहाँ से निकाल देंगे और बनाएंगे एम ए के आई एन जी मेकिंग। ठीक है, एम ए के ई आई एन जी नहीं, एम ए के आई एन जी मेकिंग, टी ए के आई एन जी टेकिंग। तो कोई भी वर्ब ई के साथ एंड होता है तो आपने वो ई को निकाल के आई एन जी बनाना है। ओके, और दूसरा चीज, वर्ब दैट हैव वन सिलेबल। वन सिलेबल मीन्स आपको एक ही बार जो उच्चारण हो जाता है जो भी शब्द, एंड इन अ कंसोनेंट, और जो कि जो वर्ड एक सिलेबल में आप प्रोनाउंस करते हो, और वो क्या हो जाता है, लास्ट वर्ड उसकी कंसोनेंट है लेकिन लास्ट से पहले वाला वर्ड जो है वो वॉवल है, तो आप क्या करोगे उसमें, आप उस लेटर को, लास्ट वाली लेटर को डबल करोगे। सपोज यहाँ पर देख लो आप, सिट, गेट, रन। यहाँ पे देखो रन में एन इज अ कंसोनेंट, है ना, ये कंसोनेंट है, तो उसको आगे प्रिसीडेंट कौन सी चीज ने किया है, यू, यू इज वॉवल, है ना। गेट में टी इज कंसोनेंट और गेट इज वॉवल, और ये सिट में टी इज कंसोनेंट एंड आई इज वॉवल, और ये वन सिलेबल वाली वर्ड है। ठीक है, अगर ऐसा वर्ड हमारे पास आ जाता है तो हम कंटिन्यूस टेंस में उसको कैसे लिखेंगे, जो लास्ट वाली वर्ड है, लास्ट वाली लेटर है सॉरी, उसको हम डबल कर देंगे, जैसे कि एम आई गेटिंग क्लोज, एम आई सिटिंग अलोन। ठीक है, आर दे रनिंग फास्ट, तो आप रनिंग लिखोगे तो आर यू डबल एन आई एन जी, सिटिंग है तो एस आई डबल टी आई एन जी, गेट हो तो डबल जी डबल टी आई एन जी गेटिंग, इस तरह से आप को लिखना चाहिए जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है। आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और आप कुछ भी चीज़ सजेस्ट करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। वी विल प्रोवाइड यू आवर वेबसाइट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।